इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड वाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेम्बर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। बहुत सारे लोग इस वक्त घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तो आज ये जितना पूरी दुनिया का माहौल बड़ा गमगीन है, तो मैंने कहा चलो आज का दिन हम थोड़ी सी ना खुशगवार मौके से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। तो मैंने सोचा कॉमेडी हो जाए, तो कॉमेडी में सबसे अच्छी जो कॉमेडी की जो हमारे पास किताब है वो तो सही बुखारी है। बुखारी साहब की किताब हमारे पास बहुत फनी है, तो मैं एक दो हदीसें मुझे याद आ गई, मैंने कहा चलो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलें आपके साथ पहली वाली हदीस में शेयर करता हूँ, बड़ी कॉमेडी। ये सही बुखारी की 65वीं किताब की 366वीं हदीस है। इसमें इब्न अब्बास, जो हजरत मोहम्मद के कजन थे या भांजे थे या अंकल थे, अब इन तीनों में से एक चीज थे, आई डोंट नो। तो यानी बड़े करीब के करीब, यानी उन्होंने तफसीर भी लिखी हुई। तो उन्होंने फरमाया कि एक दफा हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब तुम खा लो तो अपने हाथों को वाइप ऑफ ना करो, यानी उनको पूछो ना, जब तक कि तुम उनको चाट ना लो या फिर किसी और से चटवा ना लो। ये फिंगर लिकिंग तो समझ में आता है, हालांकि मैंने तो कभी वो नहीं, फिंगर लिकिंग भी कभी नहीं की, लेकिन समझ आता है। बहुत सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते हैं, पाकिस्तान में भी ये कल्चर है कि उंगलियां चाटना सुन्नत है, लेकिन किसी को ये नहीं पता, पूरी हदीस का नहीं पता कि अपनी उंगली के खुद नहीं चाटनी तो किसी और से चटवा लो। तो ये आप चेक कर सकते हैं सही बुखारी की, जैसे देख सकते हैं सही हदीस है। अच्छा चलें, ये तो एक हदीस हो गई। चलें अब एक और थोड़ी और कॉमेडी सी एक हदीस है। अब लोगों को गुस्सा चढ़ेगा, देखें ये सारी चीजें आपकी अपनी किताबों में लिखी हुई है, आप चाहते हैं कि हम इनको पढ़ें और हम आगे से अपनी आंखों को चूमने लग जाएं और अल्लाह अल्लाह करने लग जाएं, वैसा तो नहीं होने लगा। जो मॉडर्न मुसलमान है वो तो कह देंगे नहीं यार ये हदीसें हैं, छोड़ो इन्हें। बड़े अब आप तसव्वुर करें, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उनको ये हदीस पढ़ाएं और कहो कि अब तुम अगर हदीसों पे यकीन है तो इस पे भी यकीन करो, ये लो मेरी उंगली चाटो, अब इसके ऊपर ये जो रोटी के जर्रे लगे हुए हैं, ये जो सालन लगा हुआ है, इसको चाटो। डिस्गस्टिंग। अच्छा चलें अब एक और आपके साथ, एक और बड़ी मजे की हदीस है। ये अब्दुल्ला साहब ने फरमाया, इनका मुझे नहीं पता ये कौन से सहाबी हैं, बहरहाल कोई सहाबी हैं। इन्होंने कहा कि बंदा पेश किया कि ये बंदा सारी सुबह सोता रहा और सुबह की नमाज के लिए उठा नहीं। तो हजरत मोहम्मद ने अपनी इंटेलिजेंस से उन्होंने फरमाया कि शैतान जो है वो उनके कान में पेशाब करता। अब जब जो लोग सुबह उठते नहीं है ना फजर की नमाज के लिए, उनकी कानों में शैतान पेशाब कर जाता आके। so, ये है सही बुखारी की 21वीं किताब की 245वीं आयत। ये भी सही है, इसको आपके उलमाओं ने सही फरमाया कि हाँ शैतान वाकई कान में पेशाब कर जाता। सो ये थोड़ी अब सही बुखारी में, तो ये बुखारी और मुस्लिम और सुन नबी दाऊद में, तो इनमें तो बहुत बहुत ही कॉमेडी हदीसें हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।